अच्छा एक बात बताइए कि आप वीडियो बनाना तो चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास DSLR नहीं है। ऐसे में आप सोचिएगा कि यार प्रोफेशनल वीडियो बनाना है तो क्या करें, आप DSLR परचेज करें तब करें। अब जो जानते हैं कि एक अच्छा DSLR खरीदने के लिए आपको कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपया मिनिमम तो चाहिए शुरुआती दौर में, आगे जो है इससे महंगा एक्सपेंसिव जो है DSLR भी आता है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास स्मार्टफोन होगा, एंड्रॉयड होगा, और आप सोचते हो काश यार ऐसा होता, कोई तरीका होता, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता, एप्लीकेशन होता, कोई सेटिंग होता जिसका हेल्प लेकर के आप जो है एकदम प्रोफेशनल टाइप जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और आपको लगे कि नहीं यार जो फंक्शन जो है, जो फैसिलिटी है वो DSLR में होता है वो तो स्मार्टफोन में भी अवेलेबल है, ये कैसे होगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ऐसे में ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए मैं बात करता हूं यहां पे एप्लीकेशन और सेटिंग की बात। एक्चुअली क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अभी जो है सभी के लिए स्मार्टफोन तो परचेज करना आसान हो गया है, सभी लोग के पास स्मार्टफोन है। हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास भी अच्छा खासा स्मार्टफोन होगा, लेकिन DSLR यार शुरुआती दौर में DSLR में इन्वेस्ट कौन करे? तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो में बनाने वाला हूँ कि आपको कैसे सेटिंग करना है। देखिए करना क्या होगा आपको, सो पहले मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा है दोस्तों कि बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा कि जिसका एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल कर लेते हैं उस कंपनी का, इसके बाद जो उसमें सेटिंग करते हैं तो DSLR वाला इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन वो सब जो है पेड मिलेगा। आपको मैं बता दूं आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, आपका एंड्रॉयड फ़ोन है आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन का नाम है ओपन कैमरा। अब हो सकता है कि ओपन कैमरा के बारे में आप जानते होंगे, फिर भी ये वीडियो देखिए क्योंकि आपके लिए ही है वीडियो और आपको जो है कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी देगा। देखिए होता क्या है कि ओपन कैमरा की बात मैं क्या कर रहा हूँ, आपको और भी एप्लीकेशन मिलेंगे जो कि पेड है, ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली फ्री है। दूसरी बात, इसमें कोई जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे आपको प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, कम्प्लीटली फ्री होने के कारण इसको इस्तेमाल तो कीजिए। साथ साथ ये एप्लीकेशन इतना लाइट वेटेड है, मतलब कि ये ज़्यादा MB का ही नहीं है, ज़्यादा MB का नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका फ़ोन जो है हैंग भी नहीं होगा। अब वो सारे फंक्शन देंगे जो मैनुअली आप जो है DSLR में करते हैं। अब DSLR को लोग क्यों पसंद करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि मैनुअली आप जो है उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट का मतलब है कि वहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, आप अपने अनुसार जो है चेंजिंग कर सकते हैं मैनुअली, वो होता है DSLR में। लेकिन जनरली स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करते वक्त है कि सबसे पहला आपको दिक्कत क्या होगा कि आप एक्सटर्नल माइक जो है इसमें नहीं लगा पाएगा, इनबिल्ट माइक से ही रिकॉर्ड करेगा। अब जानते हैं कि स्मार्टफोन का इनबिल्ट माइक में कितना ज़्यादा नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, सराउंडिंग्स का साउंड ले लेता है। अब देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो को मैं अगर इनबिल्ट जो कैमरा के साथ जो है माइक है उससे करूँगा तो एक्स्ट्रा बहुत सारा नॉइज़ होगा, लेकिन मैं इस माइक से जो कॉलर माइक है इसको जो है लगा करके एक्सटर्नल माइक से मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो साउंड जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी होगा। तो आप भी ऐसा चाहते होंगे तो ओपन कैमरा में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जो है एक्सटर्नल माइक को जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐड करके इसके एक्सटर्नल माइक से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि जैसे ISO सेटिंग हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, ब्राइटनेस हो गया, ये सब जो मैनुअल सेटिंग होता है ये सारा सेटिंग जो है आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रीसेट भी अवेलेबल होगा कि सीन जो है सीन का मोड कैसे है, नाइट मोड है या कैसा सीन लेते हैं, वो सब वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। जूम करने के लिए अवेलेबल है, सारा फंक्शन आपको जो है इस कैमरा एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिससे आप पिक्चर भी ले सकते हैं और साथ साथ जो है वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो भी DSLR की तरह, मतलब कि प्रोफेशनल लुकिंग देगा। यहाँ पे प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहेंगे तो इससे आराम से बना सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्रोफेशनल वीडियो बनाने में भी लोगों का अपना माइंड भी वहाँ पे काम करता है, कि अपना सेंस काम करता है कि आप किस ढंग से वीडियो को रिकॉर्ड कीजिएगा कि आपका जो वीडियो जो है लगेगा कि ये प्रोफेशनल वीडियो है। लेकिन जरूरत होती है कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने की टूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपके पास अगर DSLR है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप अपना जो है कैमरा उठाइए, कैमरा को जो है ट्राइपॉड पे सेट कीजिए और इसके बाद कैमरा एप्लीकेशन जो है ओपन कैमरा इसको इंस्टॉल करने के बाद इससे रिकॉर्ड कीजिए, देखिए अमेजिंग इफेक्ट आपको देगा और आपको लगेगा कि आप एक नेक्स्ट लेवल का वीडियो जो है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये वीडियो काम का वीडियो है, ऐसे में इस वीडियो को लाइक तो बनता है, साथ साथ जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा, और लगा तो किस हद तक जो है आप जो इस्तेमाल करना चाहिएगा कैमरा एप्लीकेशन का। साथ साथ अगर कोई सजेशन होगा, कोई ओपिनियन होंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।